हाँ, हम चुनाव लड़ रहे थे तो हमारी अपेक्षा थी, मगर जो भी निर्णय आया उसका सम्मान है। और शैली ओबराय जी को बधाइयाँ, उनको मैं अंदर भी बधाई दे के आ रहा हूँ। डिप्टी मेयर को लेकर क्या कुछ उम्मीद है, क्योंकि संख्या बल इसमें भी आम आदमी पार्टी के साथ ही है। देखिए, संख्या बल तो हमारे पास पहले भी नहीं था। एक यहाँ है कि यहाँ पे किसी को वोट दे तो दल बदल कानून नहीं है, इस नाते हम वोट मांग रहे थे, अभी भी मांग रहे हैं, मगर जो भी निर्णय आए उसका स्वागत होना चाहिए, गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी मैं देखा कि जीतने के बाद भी आम आदमी पार्टी के एक नेता ने अपशब्दों का प्रयोग किया, तो ये तो लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं है। मन को बड़ा करिए। सब लोग आम आदमी पार्टी के ट्वीट भी कर रहे हैं कि बीजेपी के गुंडे हार गए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यही बोल रहे हैं, हम आपको गुंडे लग रहे हैं, ये हमारे हंसराज हंसी ये गुंडे लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लोकतंत्र में विश्वास रखता है, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, हमने प्रत्याशी रखा, हमने वोट मांगा, इसमें क्या गुंडागर्दी। पहले दिन आपने कहा कि हम एल्डरमैन को शपथ नहीं लेने देंगे, बाद में वो शपथ भी लिए, बाद में आप हंगामा करते खड़े करते रहे, तो छोड़िए, अब ये बातें चली गईं। उसमें आम आदमी पार्टी दोषी है इतना लेट होने में, फिर भी आज आप जीते हैं तो आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए, मन बड़ा दिखाइए। ये गाली गलौज की भाषा आपकी जीत को दागदार कर रही है। बीजेपी को 3 वोट ज़्यादा मिले हैं, 113 आप लोगों की संख्या थी, 116 वोट मिले हैं, लगता है कि किसी ने आम आदमी पार्टी से या निर्दलीय ने क्रॉस वोटिंग किया सर? अब ये समीक्षा हम लोग करेंगे, आप लोग भी करिए, लेकिन जो जीता है उस मेयर, दिल्ली को मेयर मिला, अब जो वादा किया है इन लोगों ने दिल्ली से वो पूरा करिए। अब गाली गलौज से काम नहीं चलेगा, अब वादा पूरा करने से काम।